क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? अगर हुआ है तो उसका नाम बताओ। तो जी हाँ, मुझे प्यार हुआ है। आप बहुत ही क्यूट हैं, मैं आपके लेवल का होता तो पक्का प्रपोज कर देता। इतने फनी फनी यार क्वेश्चंस कौन करता है? मेरा तो मुझे लग रहा है आज आप लोगों का पेट दर्द होने वाला है ये क्वेश्चन सुन के। आपकी सेक्सी बॉडी का क्या राज है? तो सबसे पहले तो चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। शादी कब करोगी मुझसे? हाय गाइज, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल मिस गुप्ता ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है सावन और मंडे का दिन है और आज से सावन स्टार्ट हो चुका है और आज मेरा फास्ट भी है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम का। वही कितना बज रहा है? 4:45 है, 5 बजने वाले हैं। तो मैं अभी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आज का ब्लॉग वीडियो नहीं है, Q&A है, क्योंकि आप लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको जो भी मेरे से पूछना हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने भाई बहुत ही फनी फनी से क्वेश्चंस करे हैं तो मैं उन्हीं का आंसर देने वाली हूँ। सो आप लोग बने रहना इस वीडियो में और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, इतने फनी फनी यार क्वेश्चंस कौन करता है? मेरा तो मुझे लग रहा है आज आप लोगों का पेट दर्द होने वाला है ये क्वेश्चन सुन के। और फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ऊपर, देखते हैं धूप है या नहीं। और अभी 5 बजने वाले हैं तो श्योर है कि धूप ही होगी और बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि आज ना धूप आ जा रही है तो और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो यार बारिश भी नहीं हो रही है, आप लोगों को क्या हो रही है या नहीं? यूपी में तो बारिश नहीं हो रही है, सो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे पड़ रही है। सो चलो पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या माहौल है। और हमारे यहाँ देखो ये लाइट्स वगैरह सब ऐसे ही रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपना जो सेटअप है वो अच्छे से कर रही हूँ, बट अभी कुछ हो नहीं पा रहा है तो मैं आ गई हूँ ऊपर। ये मैं आ चुकी हूँ ऊपर। भाई बहुत ज़्यादा धूप है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे ऊपर सबसे थर्ड फ्लोर का सीन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ का व्यू ना वीडियोस वगैरह बनाओ तो बहुत ही अच्छा आता है, बट मैं बहुत ही कम ऊपर आती हूँ। सो अभी धूप है भाई, अभी बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहा जाएगा। और सबसे ऊपर देखो मम्मी ने बक्सा रखा हुआ है, तो नीचे चलते हैं, नीचे ही सही रहेगा। तो मैं नीचे आ गई भाई, बहुत ज़्यादा धूप है, दिमाग ख़राब हो चुका वहाँ। तो मैं यहीं पे Q&A आप लोग के साथ शेयर करूँगी। भाई ऊपर तो जान निकलने वाली गर्मी है। सो चलो Q&A स्टार्ट करते, पहले बैठ जाऊँ। सो चलो पहले बैठते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्कान कहती है यार आप इतनी ऑसम कूल एंड टैलेंटेड कैसे हो? तो यार मुझे ना मम्मी से पूछ के बताना पड़ेगा, तो मैं मम्मी से पूछूंगी फिर आप लोगों से बताऊंगी। नेक्स्ट कमेंट है, पिक माय क्वेश्चन, आपकी सेक्सी बॉडी का क्या राज है? तो सबसे पहले तो चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं खाती बहुत हूँ, और दूसरी बात है कि अगर मैंने ज़्यादा कुछ खा पी लेती हूँ तो मेरा डाइट भी शुरू हो जाता है। और मैं अपनी फिगर को बहुत ही मेंटेन रखती हूँ, थोड़ा सा कायदे से रहना है, फिट एकदम। तो भाई ये है मेरा इतना ही राज, बाकी और कुछ ज़्यादा कुछ मैं रूटीन में फॉलो नहीं करती, बट थोड़ी सी डाइट वगैरह कर लेती हूँ बस, यही। आप कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। एंड नेक्स्ट कमेंट है, सोना कहती है दी आप प्रॉपर कहाँ से हो और आपकी शादी फिक्स हुई है क्या? तो जी नहीं, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है कहीं भी। एंड मैं प्रॉपर बताऊँ, मैं प्रॉपर साह गांव से हूँ, और जो कि कानपुर और इलाहाबाद के बीच फतेहपुर पड़ता है, तो मैं वहाँ से एक गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि गांव का नाम शाह है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे रहती हूँ प्रॉपर। रोशनी कहती है डू यू लव मी? तो तुम्हारे लिए तो लव यू, बस इसके लिए और कोई जवाब नहीं है मेरे पास। एंड नेक्स्ट कमेंट है,
आप शादी कब करोगे दी, आपको दुल्हन के गेटअप में देखना चाहती हूँ। तो यार शादी तो अभी मेरा कोई भी फिक्स नहीं है कि मैं शादी कब तक करूँगी, बट हाँ करनी तो है ही है। एंड दुल्हन का गेटअप आप देखना चाहती तो वो मैं बहुत ही जल्दी ब्राइडल लुक शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। बट यार दुल्हन के गेटअप में देखने के लिए शादी क्यों करवाना, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, आपने बोला है तो अब मैं श्योर है कि मैं अपना ब्राइडल लुक जरूर क्रिएट करके दिखाऊंगी और इसके साथ में वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट कमेंट है माही का, तो वो बोलती है इतनी क्यूट क्यों हो, टिप्स बताओ। तो यार क्यूट तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ मैं, बट थैंक यू आपने बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया है। बट बाकी मैं आपको क्यूट लग रही हूँ, बाकी मैं सब खटकती भी बहुत ज़्यादा हूँ, बट कुछ लोगों के दिल दिमाग में खटकना भी ज़रूरी है। सो जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए लव यू सो मच, और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। सो थोड़ी सी छोटी सी फैमिली क्यों ना हो मेरी यूट्यूब पे, मेहंदी वाले चैनल पे तो 5 लाख की फैमिली है, बट मेरे ब्लॉग चैनल में अभी 21K सब्सक्राइबर है। बट दिल से शुक्रिया, आप लोग मुझे ऐसा ही थोड़ा थोड़ा सा प्यार देते रहिए, मैं उतने में खुश रहूँगी। नेक्स्ट कमेंट है, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है, अगर हुआ है तो उसका नाम बताओ। तो जी हाँ मुझे प्यार हुआ है, तो किससे हुआ है मैं बता देती हूँ उसका भी। तो मुझे प्यार सिर्फ अपने फैमिली से हुआ है, बाकी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार देते हैं तो मेरा भी बनता है कि मैं आप लोग को प्यार दूं। बाकी ऐसा कोई स्पेशल पर्सन नहीं है मेरी लाइफ में, और जो भी है मेरी फैमिली है और फिर आप लोग हैं। बाकी इन फ्यूचर कुछ होता है प्यार से रिलेटेड तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और नाम भी शेयर कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अभी मैं अपने फ्यूचर को ज़्यादा अच्छा देखना चाहती हूँ और अच्छा ग्रो करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं प्यार यार से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। और सच बताऊँ तो अपनी लाइफ बनाओ और फोकस करो अपने गोल्स पे भाई, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। एंड नेक्स्ट कमेंट है, शालिनी कहती हैं आपने मेहंदी कहाँ से सीखी, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो ये मैंने मोस्टली अभी और भी मैंने Q&A किया है तो मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने अपनी मेहंदी जो है वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, और एज अ ट्रेनर किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है। एंड नेक्स्ट कमेंट है, आप कितने बहन भाई हो। तो मैं, मेरे 2 भाई हैं जो कि बड़े भाई हैं मेरे, और मैं हूँ अकेली सिस्टर हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, आप बहुत ही क्यूट हैं, मैं आपके लेवल का होता तो पक्का प्रपोज कर देता, कैसा कौन है वेरी फनी। सो थैंक यू सो मच, आपको मैं क्यूट लगती हूँ, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू आपको। नेक्स्ट कमेंट है, आर यू मैरिड। तो जी नहीं, अभी मेरी कोई शादी नहीं हुई है, आप लोग देख सकते हैं मेरी कोई शादी नहीं हुई है, और हाथ वगैरह भी, चूड़ियाँ वगैरह भी नहीं है, ना ही सिंदूर है, रेड लाइन भी नहीं है, तो अभी शादी का कोई प्लान भी नहीं है। तो जब भी करूँगी तो आप लोग को श्योर है कि आप लोग को बता ही दूँगी। एंड नेक्स्ट कमेंट है, आई लाइक यू। सो दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे हो यूट्यूब पे हो, बट थोड़ा सा ब्लॉग में कम कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग करेंगे मुझे, इसमें भी प्यार दिखाएंगे, मुझे इतना ही सपोर्ट करेंगे इसमें। एंड गाइस नेक्स्ट कमेंट है, शादी कब करोगी मुझसे। कुछ भी आप लोग कहते हैं भाई, मैं आपको जानती नहीं हूँ। बहुत ही फनी क्वेश्चंस आए हुए थे मुझे, और मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस को पिक करे हैं, और बाकी सबसे ज़्यादा थे कि आपकी शादी हो गई है, शादी हो गई है, शादी हो गई है। तो मैंने आप लोग को श्योर कर दिया है कि अभी मेरी शादी नहीं हो रही है और ना ही अभी कहीं मेरी फिक्स हुई है, जब भी होगी या कुछ भी फंक्शन होगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी,
सो आपको इतने सारे फनी फनी क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कौन सा सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन की, जब भी मैं कोई ऐसी ही न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना। बाय गाइस, लव यू।